हम बात करते हैं कुछ कस्टमर सर्विस से रिलेटेड। मुझे पता है आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं। हम कहीं भी होते हैं ना, वी आर सराउंडेड बाय पीपल, वी आर सराउंडेड बाय कस्टमर्स। सो इफ यू आर नॉट डायरेक्टली डीलिंग विद देम, फॉर एग्जांपल कविता इज अ स्टूडेंट, बट कविता व्हेन शी गोज फॉर शॉपिंग शी इज अ कस्टमर। सो शी नोज हाउ पीपल टॉक टू हर, how much greetings she get from the people who are serving the customers. So we'll have a simple conversation, assuming some of us are customers, some of us are service providers, like that. So let's just quickly do a role play. I'll request Abhishek and Kavita to be the participants for me. Main ek situation deti hu aapko. Situation ye hai, Kavita aap ho na line pe? Yes, yes. हाँ, इंग्लिश में कॉल करना, मैं समझा एक बार हिंदी में देती हूँ, सबको अच्छा आएगा। अब क्या हुआ है ना, जैसे अभिषेक इज फ्रॉम अमेज़न और कविता को जो प्रोडक्ट मिला है, शी इज नॉट सैटिस्फाइड, शी इज नॉट हैप्पी विद दैट प्रोडक्ट। सो कविता कंप्लेन कर रही है अभिषेक को। अब देखते हैं अभिषेक कितना पोलाइटली उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाते हैं। समझे सिचुएशन, समझे दोनों? यस यस यस। ठीक है अभिषेक, आप भी समझे आपको क्या करना है। आपको सर्विस देनी है तो आपको कस्टमर से बड़े प्यार से बात करनी होगी। यस मैम। कस्टमर आप पे गुस्सा कर सकता है, आप नहीं कर सकते। यस मैम। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। ओके। हेलो हेलो, इज दिस अभिषेक फ्रॉम अमेज़न? यस मैम। यस, आई एम कविता शर्मा फ्रॉम दिल्ली, calling you on behalf of my product, that I ordered a product from your company. It's Amazon. So yes, it's Amazon I ordered, but I'm not satisfied with your deliverables. Okay, can you tell me, ma'am, what is the problem? Please listen my request. So my complaint is this, that I received the product, but it is not that which I expected from the company. Okay, ma'am, it might be not happened, but I am really sorry for that. And I apologize for that, ma'am. Extremely sorry. Ma'am, what product you received, can you tell me? Yes, yes. I ordered one jeans. Okay. So when I ordered, it was a blue color, but when I received the parcel, it's like very blur and it's completely black. I was wishing for a blue jeans, but I received the parcel of black jeans, and the jeans and the material of jeans is like very poor quality. I don't know why. Okay, ma'am, might it happen in with problem in the time of delivery, ma'am? So sometime it happens at the time of delivery and for at parcel time. So I'm really sorry for that, ma'am. I apologize for that, ma'am. I will definitely change your product, ma'am. Okay, please look into my problem and do your best what you can provide. Okay, so yes, would be great, ma'am, if you can solve my problem. Sure, ma'am. Sure, definitely. Thank you, ma'am. Okay. Good job, Abhishek and Kavita. Very good. Appreciate totally. मतलब अभी हमको सिर्फ 10 मिनट हुए हैं जाने हुए एक दूसरे को, आप लोगों ने तो आपस में तो बात ही नहीं करी, और मैंने सीधा बोला चलो एक्टिविटी करो आपस में। बट यही कॉन्फिडेंस होता है जिससे हमें आना है आगे, कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, उससे डरना नहीं है। बातें करनी है, किसी के सामने स्पीच देनी है, डिबेट में जाना है, कुछ भी हो जाए, हमें पहली चीज तो यही होनी चाहिए कि घबराना नहीं है। वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, हमें जो आता है वो बिल्कुल सही है। अभिषेक ने और कविता ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। मैं अब थोड़ा सा इंग्लिश के हिसाब से दोनों को थोड़ी थोड़ी सी गाइडेंस देती हूँ। अब अभिषेक, आपको क्या करना है, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीच क्लैरिटी। यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस। योर स्पीच शुड बी क्लियर। एट सम प्लेसेस आई फेल्ट द सम ऑफ द वर्ड्स वर नॉट कमिंग टू मी क्लियरली। यस मैम। सो इंग्लिश इज नॉट ओनली पुटिंग सम वर्ड्स एंड नोइंग हैविंग अ गुड वोकैब, दैट इज नॉट इंग्लिश। We have to be clear with our sound and speech. Okay? Yes, ma'am. First thing for you. Second, Abhishek, you can drop in more confidence. Of course, ma'am. I am expecting this too much on day one, but this is something that
दैट कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम योर टोन. अभी कविता की, कविता आपसे छोटी है एज में, शी इज जस्ट अ स्कूल स्टूडेंट एंड यू आर वर्किंग. यस मैम. एक्सपीरियंस के हिसाब से कॉन्फिडेंस आप में ज्यादा होना चाहिए और वही कॉन्फिडेंस हमारी टोन से नजर भी आना चाहिए, हम जिससे भी बात करें. तो ये दो चीजें अभिषेक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनका इनको लिख लीजिए. ओके मैम, डेफिनेटली. कविता. यस. या कविता, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर फ्लुएंट, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद सम ऑफ योर साउंड्स एंड यस मैम राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स. हाउ? I was wishing for this product. Instead of that, you should have said, I was expecting this product or this color to be delivered. Okay. Yes, ma'am. Huh? Then there were some sound errors too, like delivered, nahi, delivered. Delivered. Okay, ma'am. Aur iske alawa tha Kavita? हाँ, दैट वॉज इट. बाकी हाँ, देखो एक दिन में सब कुछ हमें आ जाए, मैं एक साथ इतनी सारी गलतियां बता दूं, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन जो मेजर है ना, जिससे आपकी अच्छी वाली अंग्रेजी खराब हो सकती है, दैट इज वेयर आई नीड टू पिन पॉइंट यू. सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट एंड ग्रेजुअली एंड स्लोली वी विल लर्न एवरीथिंग इन योर अपकमिंग रेगुलर क्लासेस. ओके. यस मैम. All right. So, I hope बाकी लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अभिषेक और कविता ने कैसे आपस में बातें करी हैं. हम थोड़े से और सिनारियोज लेते हैं जहां कस्टमर और एक रिप्रेजेंटेटिव के बीच की हम एक कुछ और बातचीत सुनते हैं. अभी आई वॉन्ट आमिर एंड संतोष टू पार्टिसिपेट. Amir, Santosh, are you both connected? हाँ, okay. अब आपकी सिचुएशन में देती हूँ. आमिर, आप एक रेस्टोरेंट के मैनेजर हो और संतोष आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं, लेकिन जो डिश आपने सर्व करी वो ठीक से पकी हुई नहीं है. So संतोष has a complaint for that. Got it? Okay. Try speaking in English. जितनी English आए, ठीक है? Try करो. Start करो. डरो मत. Start करो. Hello. हेलो आमिर, बात करो. हेलो हेलो. हाय. ठीक है संतोष, आप बताओ उनको कि डिश में कोई प्रॉब्लम आई है, वो डिश ढंग से बनी हुई नहीं है. वो आमिर रेस्टोरेंट के मैनेजर है, बताओ उन्हें. ओके. ही इज नॉट प्रॉपर फूड. इट इज नॉट स्वीट एंड and dish and this price is very high and this quantity is very low. And it is my favorite dish. आमिर जवाब दो. देखो कस्टमर परेशान हुआ है ना, उसको बात करने की कोशिश करो. हेलो. हाय हाय सर, प्लीज टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम. हेलो. दिस डिश
this dish has no sweet and no it is low quantity of a high price and no satisfaction in the eating. No taste and no. ठीक है why आमिर उसने बता दिया taste अच्छा नहीं है, sweet नहीं है proper. अब आप उसको help करने की कोशिश करो. You are the manager of that restaurant. Okay ma'am. Let's see. Sir. Hello. Yes. आमिर बोलो. Sir, let's see. First of thing, I have lots of dishes in my restaurant, and please, I serve your other dishes. Offer you, please. You don't mind. That's why, because you not. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. वेल ट्राइड, आई अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू. ठीक है, अब बताती हूँ. पहले संतोष आपको बताती हूँ आपके पॉइंट्स. संतोष आप में जो जील है ना वो तो अच्छी है, कुछ करने की पैशन दिखता है कि हाँ मुझे करना है तो करना है. फिर आप घबराते हो रिजल्ट से, वो डेडिकेशन है विच इज गुड. आप रिजल्ट से नहीं घबराते कि रिजल्ट कैसा आएगा, आप काम करना शुरू कर देते हो, गुड फॉर दैट. लेकिन आपको संतोष स्टार्टिंग से सेंटेंस फॉर्मेशन सीखने पड़ेंगे. यस मैम. आप चाहो तो जैसे क्या होता है ना, एक सेंटेंस मैं बताती हूँ. जैसे मैंने बोला मुझे कंप्लेन करना है, मेरा ये प्रोडक्ट है मुझे इसकी कंप्लेन करनी है. तो आई विल से दिस इज समथिंग व्हिच आई डोंट लाइक. इट इज नॉट अ गुड फोन. इट इज नॉट गिविंग मी गुड सर्विसेज. आई एम नॉट सैटिस्फाइड. आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम दिस मोबाइल. कैन यू प्लीज चेंज दिस फोन. ऐसा तो मैंने क्या किया संतोष, मैंने इतने सारे सेंटेंसेस को पार्ट्स में डिवाइड करके छोटे और इजी सेंटेंसेस बना दिए. मैंने एक भी लंबा और डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं बनाया. क्योंकि मैं इनिशियल फेज पे हूं, मैं अभी सीख रही हूँ. सो आई विल मेक शॉर्ट एंड इजी सेंटेंसेस, बट माय सेंटेंसेस शुड बी करेक्ट सो दैट आई कैन ड्रॉ करेक्ट मीनिंग फ्रॉम देम. ठीक है, ये चीज आप लिख लेना. ओके. अब आमिर आपको मैं बताती हूँ. आमिर आप कर सकते हो अच्छा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन टू अ जॉब. यू हैव दैट एक्सपीरियंस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग. और आपका तो कार्स 24 में कस्टमर सर्विसेज का काम बहुत सारा चलता होगा. लेकिन आमिर जब तक ये हेजिटेशन नहीं जाएगी ना, मैं आगे कुछ भी नहीं बता पाऊंगी. है ना, मेरे साथ. मैं समझ रही हूँ, कोई बात नहीं आमिर. आज तो डे वन है, कोई बात नहीं. डेमो क्लास का पर्पस ये है कि सब एक दूसरे को समझे, कहाँ किसको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं. तो अपनी नोटपैड पे एक लाइन लिखो, आई विल बी कॉन्फिडेंट. इसको लिख लेना बस, बाकी फिर आगे का रास्ता आसान हो जाएगा. क्योंकि जब तक हेजिटेशन नहीं जाएगी ना आमिर, सेंटेंसेस आएंगे ही नहीं. ठीक है, चल आगे चलते हैं. मैं आई कैन सी सम न्यू पार्टिसिपेंट. कुलदीप, ये ना कनेक्टेड. कुलदीप आर यू देयर? नो. चलो हम आगे बढ़ते हैं. सो अब इस एक्टिविटी में क्या करना है, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन देयर आर सम फिल इन द ब्लैंक्स. आई जस्ट वांट एनी वन पर्सन टू फिल द ब्लैंक्स फॉर मी. Abhishek, will you try? Yes, ma'am. Okay. So, read the sentence and give me the correct form of verb. Okay. This is speaking aana chahiye ya spoke aana chahiye ya kya? Padke? Okay. If you don't give me a refund, I... Okay, ma'am. I have to put the verb form of speak.
हाँ करेक्ट क्या आना चाहिए, विल स्पीक आना चाहिए, स्पोकन आना चाहिए, या क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? ओके, इफ यू डोंट गिव मी अ रिफंड आई स्पोक विथ योर मैनेजर. नहीं, यहाँ पे विल स्पीक आएगा. सॉरी मैम, आई एम एक्सट्रीम से इट विल इन फ्यूचर टेंस. ओके ओके ओके, सॉरी मैम. मैंने तो आपको आई विल स्पीक. या या, सॉरी मैम, सॉरी. आई विल स्पीक, यस मैम. ठीक है, दोनों कंप्लीट करो, फिर मैं सबको समझाती हूँ ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है. हाँ, सेकंड. ओके, I will post a bad online review if your product does not work. Very good. Third sentence. If I don't enjoy my stay here, come back. Okay. If I don't enjoy my stay here, I will come back again in future. I will not come back. I will not come back in future. है ना? Yeah. तो ये हमें सिखाता है, ये जो आपने फिलिप्स के लिए हमें हेल्प किया अभिषेक, थैंक यू, सबके सब सही थे. कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है ना, एज कस्टमर व्हेन यू आर कंप्लेनिंग, आप ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आपने मुझे रिफंड नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, अगर वैसा नहीं किया तो ऐसा कर दूंगा, टाइप्स ऑफ. आपने भी, मुझे उम्मीद है, एज कस्टमर्स हम बहुत क्रैंकी हो जाते हैं. हमने भी अपने अलग अलग जगह पे, मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, इस तरह की बातें करी होंगी. तो ये हमें अब देखो, हम बातों से ही सीख जाएंगे. तो इस कॉन्वर्जेशन से हमने सीखा कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हम कंडीशन रखते हैं, इफ एल्स के फॉर्म में. सो इफ यू डोंट डू दिस यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स, इफ यू डोंट डू योर होमवर्क आई विल पनिश यू. सो डू, विल, इफ, एल्स, ये सब चीजें बता रही हैं कि तुम अगर कोई काम ऐसा नहीं करोगे तो इसका रिजल्ट ऐसा होगा. यानी कि ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस जो जनरली इफ से स्टार्ट होते हैं और आगे फिर उसका जो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है. मैम, और क्वेश्चन. हाँ बोलो मैम. कैन आई रिप्लेस द विल विद शैल? यू कैन, यस यू कैन. बोथ आर सेम? नॉट सेम, नो. विल होता है फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटी कि मैं पक्का रिव्यूज गलत ही डालूंगा. शैल मैं डाल भी सकता हूँ और मेरा मन नहीं किया तो मैं नहीं डालूंगा. देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी. तो विल है तो श्योरिटी है. श्योरिटी, ओके. श्योरिटी, ओके. वुड और शैल है तो नहीं भी हो सकता, ऐसे जरूरी नहीं है, पर मैं डाल सकता हूँ. विल मतलब डालूंगा, रिव्यूज डालूंगा, शैल रिव्यूज डाल सकता हूँ. अगर हिंदी में बताऊं तो. या ठीक है, गॉट इट? यस मैम, यस. तो शैल लगा सकते हो, लेकिन फिर वहां पे आप धमकी नहीं दे रहे. अगर तुमने मुझे गलत किया तो मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ. ठीक है, तो हमने समझा यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस. किसी को डाउट है ये कंडीशनल सेंटेंसेस अभी जो मैंने बताया? नो मैम. ओके, मैंने कहा ना हम ऐसी बातों बातों में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे. आज तो डे वन है, सो पर्टेनिंग टू द टाइम, जितना टाइम है लेट्स सी कितना हम सीख सकते हैं इजीली. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स व्हेन कस्टमर्स आर कंप्लेनिंग यू नीड टू बी वेरी सॉफ्ट एंड वेरी पोलाइट. तो आप अगर यहाँ पे देखो कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो बहुत ही पोलाइट वे में लिखे गए हैं. आई वॉन्ट कविता टू रीड ऑल ऑफ देम दोज रिटन इन द ब्लू बॉक्सेस. Sure. Yeah. One by one, please read and try to make a polite tone also so that everybody can understand. Sure. Yeah. We are sorry that you have had a problem with this product. I understand you are upset, sir. I'm afraid it is not our policy to. Sorry, but unfortunately, there is nothing we can do about it. Very good, Kavita. आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, टोन भी आपकी आ रही है, पोलाइट लग रहा है कि हाँ आप पोलाइटली किसी से बात कर रहे हो. तो जब हम किसी से पोलाइट, वेरी गुड, तो जब हम किसी से पोलाइटली बात करते हैं हमारे चॉइस ऑफ वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं. मैं किसी को ऐसे नहीं कह सकती, कैन यू हेल्प मी, आई एम नॉट साउंडिंग पोलाइट. आई वुड बी हैप्पी if you please can help me with this problem.
अब मैंने अपने सेंटेंस को चॉइस ऑफ वर्ड्स को चेंज कर दिया, तो आप चाहो तो ये पॉइंट ऐड कर लो. इन अ प्रोफेशनल और अ पोलाइट कॉन्वर्जेशन यू नीड टू चूज राइट सेट ऑफ वर्ड्स. एवरी टाइम सेम लैंग्वेज सेम टोन सेम वर्ड्स कैन नॉट गो विद योर पोलाइट अप्रोच. अब कोई मुझे इस लाइन का मतलब बताएगा. आई एम अफ्रेड इट्स नॉट आवर पॉलिसी टू. अफ्रेड मतलब डरना होता है, तो क्या मुझे इस लाइन का कोई मतलब समझाएगा, सी वाले थर्ड वाले का? हाँ मैं, हाँ बताओ. इसका मतलब है कि मैं डर गया था, इसकी हमारी पॉलिसी नहीं है कंपनी की. ठीक है, ठीक है आमिर, वेल ट्राइड. कोई और ट्राई करना चाहेगा? ठीक है मैं बताती हूँ. जैसे हिंदी में होती है ना कुछ कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियां, ऐसे इंग्लिश में वी हैव idioms, phrases, phrasal verbs that have different meaning. So here, I am afraid is not telling us कि मैं डर गया हूँ. It is telling us मुझे खेद है बताते हुए कि हमारी पॉलिसी में ये नहीं होता है, या मुझे दुख है कि आप जो मुझसे मांग रहे हो प्रोडक्ट वो मैं आपको नहीं दे सकता. सो इट्स नॉट सेइंग लिटरल मीनिंग इज नॉट मैं डरा हुआ हूँ, लिटरल मीनिंग कि हाँ मुझे दुख है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ इन एनी फॉर्म. सो दीज आर कॉल्ड एज फ्रेजेस इन इंग्लिश. सो राइट दिस डाउन. आई एम श्योर दिस इज अ न्यू लर्निंग फॉर एवरीबडी. प्लीज राइट इट डाउन. ओके या संतोष. Yes, ma'am. अब आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट को आपस में मैच करना है. किसके साथ क्या सूटेबल होगा वो आपको मैच करना है. जैसे गैदर है, गैदर मतलब इकट्ठा करना होता है. तो अब क्या इकट्ठा करोगे इन राइट साइड के इंफॉर्मेशन. Information, ma'am. Very good. Gather information. Very good. Accept a refund. Very good. Resolve a problem. Very good. Request. Request. Try करो. अच्छा request है refund. कि मैं बोलूँ मुझे product पसंद नहीं आया, आप refund कर दो. So I'm requesting a refund here. Okay. चलो last वाला deal with a complaint. हाँ. A complaint or a problem, anything can be there. Yes. हाँ. तो अब इससे हमने सीखा, इस स्लाइड से हमने ये सीखा कि हमको क्या जो हेजिटेशन हो रहा है ना, जो अंग्रेजी की लाइंस नहीं आ रही है, हमें अंग्रेजी में ही सोचना है और उन्हीं से ही उन्हीं शब्दों से सेंटेंस बनाना है. जैसे अभी मैंने आपको एक्टिविटी दी थी जहां आपको कस्टमर की कंप्लेन हैंडल करनी थी. सो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए था, ये ऐसे ही कुछ शब्द दिमाग में डालने चाहिए, जैसे सॉरी, अपोलोजाइज या रिग्रेट टू से. मेरे को दो तीन शब्द आ गए, अब मैं इन्हीं शब्दों से सेंटेंस बनाऊंगी. कैसे? आई एम सो सॉरी दैट यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम. इफ आई कैन हेल्प यू विद समथिंग प्लीज लेट मी नो. ऐसा कुछ मैंने सेंटेंस बना दिया, यानी मैंने अंग्रेजी में शब्दों को सोचा जितने उस टाइम पे मेरे दिमाग में आए और उन्हीं शब्दों से मैंने सेंटेंस बना दी. हाँ संतोष, टेल मी. हेलो. हाँ बोलो. व्हाट डू यू मीन बाय एन अपोलॉजी? अपोलॉजी सॉरी बोलने का एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है. आई एम सो सॉरी, या हम कह सकते हैं आई अपोलोजाइज, तो वो सॉरी कहना होता है. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ मैम. यस सॉरी
कहना अपॉलॉजी होता है, तो आप सॉरी की जगह पे अपॉलॉजी बोल सकते हो. ओके मैम, थैंक यू. जैसे आई अपॉलोजाइज. हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं. सेम सिमिलर एक्टिविटी. आमिर ट्राई करो इनको मैच करने का. ओके मैम. Rent. Rent means once a frustration. Okay. Offer a compensation. Hello. Yes. Continue. Guarantee. Quality. Good. Ensure. An explanation. नहीं, ensuring standards. मैं जो product बनाती हूँ उसका एक benchmark है और वो उसी quality के साथ आपको मिलेगा. तो मेरे product का एक standard है. So ensure standards. ठीक है, आगे. Very good. Last वाला. Demand quality में. Demand explanation. डिमांड एंड एक्सप्लेनेशन. कभी जैसे सपोज मैं बॉस हूँ तो मैं अपनी टीम से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ. सो आई कैन से आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू. ओके चलो, वेरी गुड. तो अब से आमिर, जब भी आपको अंग्रेजी में बात करनी हो ना, आप पहले ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों को माइंड में ले आओ. अब देखो, ये सारे वर्ड्स का मतलब आपको पता था तभी तो आपने सही से मैच किया, यानी कि वोकैबुलरी तो है आपके पास. आपको बस उसे अब सेंटेंस में जमाना है, सही शब्द सही सेंटेंस में सही टाइम पे. दैट इज इट. दिस इज इंग्लिश. ओके मैम. ओके, यू अंडरस्टैंड? आई गॉट मैम. परफेक्ट, ठीक है. चलो, नाउ आई जस्ट वांट अभिषेक टू रीड द लेटर एज इट इज. ओके मैम. डियर कैरोलिन, आई एम राइटिंग इन रिस्पांस टू योर लेटर ऑफ कंप्लेंट sent on July 25th, 2018. First, I apologize for any inconvenience we caused. We take great care to ensure that all of our customers are satisfied with our products. We have failed to meet your expectation and offer our sincere apologies. To make it up to you, we have provided you with a brand new product as well as a $10 gift card to put towards your next purchase. We hope that you continue to be a loyal customer. Please contact me if you have any questions. Your Peter Richmond, CEO of Richmond Enterprises. Very good, Abhishek. Very, very impressed from your effort. Very nice. One thing I want to tell. I want to tell everyone in this video that everybody video should be on. As well, I requested everybody interact with each other. That should be much better. I think that is my opinion. Right. Okay, ma'am. You're right, Abhishek. I requested them. Some of them are turning on. When their turn is gone, they turn off. I don't know why. As the class is going on, it is. That is. Ha. You have a valid point, Abhishek. But unfortunately, we can't force anybody to do that. Huh? If it is against their will. Okay. Good job, Abhishek. अब मैं दो तीन चीजें बताती हूँ जो सबको ध्यान में रखनी है. कभी भी हम कुछ बोलते हैं ना, तो हमें ना उसमें एक्सप्रेशन भी डालना पड़ता है जो हमारी कॉन्वर्जेशन को और भी अच्छा बनाए. जैसे अगर मुझे यही खत पढ़ना है, बट आई नीड टू एड माई एक्सप्रेशन टू. डियर कैरोलिन, आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू योर लेटर ऑफ कंप्लेन सेंट ऑन July 25th. Firstly, I apologize for any inconvenience we caused. We take great care to ensure that all of our customers are satisfied with our products. We have failed to meet your expectations and offer our sincere apologies. Thoda sa agar hum apni tone mein ek voice modulation, ek expression la denge, hamari conversation achhi lagegi. Nahi to wo aise lagega ki main ek news reporter hoon aur bas news ko dekh dekh ke pad rahi hoon. Usme koi feelings, koi emotion nahi reh jayenge. To wo flat lagega aur fir thodi der ke baad audience so jayegi. So
ये एक चीज सबको बोलूंगी, प्लीज राइट दिस डाउन, दैट यू नीड टू हैव गुड वॉइस मॉड्यूलेशन एंड यू नीड टू हैव एक्सप्रेशन व्हाइल यू आर स्पीकिंग. फिर चाहे आपके कितने अच्छे टेंसेस हो, ग्रामर कितनी ही अच्छी हो, लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा तो उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी. एक दो वर्ड्स बताऊंगी अभिषेक. अपोलोजाइज, अपोलोजाइज नहीं, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज. और एक और था, ओ यू आर इज आर एंड नॉट आवर. ओके. कंटिन्यू नहीं, कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू. Yes, ma'am. The problem is that we are from the Bengal and the accent is going like that. I know. Yes. कोई बात नहीं अभिषेक, yeah. होता है. मैं बहुत yes. लोगों से मिलती हूँ, ऐसा सबके साथ yeah. होती है problem. बस ये है कि हम उसको सीख के improve करते हैं. Yes. ठीक है. Very nice. Very nice. ठीक है. कविता, are you there? Yes, ma'am. कविता, अब आपको क्या करना है? दोनों सेंटेंसेस एक एक करके रीड करने और जो वर्ड्स हैं उनको फिल करने की या कोशिश करने की क्या आ सकता है. ओके. स्टे काम. व्हेन अ कस्टमर बिगिंस टू कंप्लेन इट इज इम्पोर्टेंट टू बी कंपोज्ड. Let the customer vent their frustration completely. You can apologize, but try not to interrupt the customer while he or she is explaining the situation. ठीक है. Event का मतलब क्या होता है? अगर आपको idea है तो. Vent means I think go through. निकालना. कोई चीज है, कोई एक गुस्सा है या कुछ है, इमोशन है, उसको बाहर एक्सप्रेस करना, निकालना. That is vent. Okay. ठीक है. This word is interrupt. Interrupt. Okay. हाँ. So कविता, हाँ, जैसा मैंने बोला ना, आपका थोड़ा सा साउंड वाला इश्यू है जहाँ पे आपको, आप मतलब ऐसा नहीं है कि ये रिजॉल्व नहीं हो सकता, सबके साथ होता है, स्कूल कॉलेज में ऐसा ही होता है. But the day you start practicing, I'm sure you'll start receiving the results. Yes. Okay? Good job. Sure. Good job, by the way, Kavita. You're doing good. Thank you. Okay. Santosh, if you can fill up the blanks, third and fourth. Yes, ma'am. Huh. Try it. ट्राई करो, गलती तो होगा, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी. यस मैम. रिसॉल्व द प्रॉब्लम, रिपीट द प्रॉब्लम टू शो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ द कस्टमर ही इज फीलिंग. कोई बात नहीं अभिषेक, मैं बताती, सॉरी संतोष, मैं बताती हूँ. ये वर्ड होगा पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग होते हैं, जैसे आपने, आप कस्टमर हो, मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, आपने मुझसे कोई सवाल पूछा और मुझे उसका आंसर, मतलब मैं उस सवाल को समझ नहीं पाई, तो मैं उसको रिपीट करूंगी, दोहराऊंगी, जिससे समझ आ सके कि हाँ, मैं आपकी प्रॉब्लम को सुन रही हूँ और ठीक से मेरे को रेजोल्यूशन देना है, इसीलिए मैं आपसे रिपीट करवा रही हूँ. दैट इज पैराफ्रेजिंग. आई थिंक सेकंड इज गुड, बट आई विल पुट रिसॉल्व. नहीं नहीं संतोष, मैं आपको सही वर्ड बता रही हूँ कि यहाँ पे इस पूरे, हमको क्या है, किसी भी वर्ड के मतलब के लिए या उसको जो भी फिल इन द ब्लैंक से पूरा पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ने के हिसाब से पैराफ्रेजिंग इज द राइट आंसर इन थर्ड. ओके ओके. हाँ, फोर्थ पढ़ो. रिसॉल्व द प्रॉब्लम, हैंडल द सिचुएशन एज यू थिंक is best record and report the problems to your supervisor. Very good Santosh. तो देखो ऐसे ना, हमने तीन चार नए वर्ड सीखे, हमने वेंट सीखा, पैराफ्रेजिंग सीखा, अपोलॉजी सीखा,
तो जब हम रूटीन कॉन्वर्जेशन में रूटीन क्लासेस में आएंगे हमारे पास सोचो कितनी अच्छी वोकैबुलरी बिल्ड हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बताऊंगी, कितनी बार होगा कि आप मुझे नए शब्द देंगे वो मेरे लिए भी न्यू होंगे या किसी और स्टूडेंट के लिए न्यू हो जाएंगे। लाइक दिस वी हेल्प ईच अदर टू ग्रो आर वोकैबुलरी। अभी अगर मैं आपको किताबें दे दूँ ना कि इन किताबों में से पढ़ लो बस हो गया चैप्टर वन इट्स डन, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज कभी भी ऐसे नहीं सीख सकते। यू ऑलवेज नीड टू हैव दैट प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ शेयरिंग योर थिंग्स, एक्सप्रेसिंग एंड हाउ मच यू कैन स्पीक, दैट इज वेयर यू बिकम अ गुड स्पीकर। यहाँ तक कोई भी डाउट्स हैं प्लीज लेट मी नो। यू हैव अ क्वेश्चन और अ क्वेरी लेट मी नो। नो मैम। ओके ठीक है। सो आमिर, यस मैम। आमिर इन सेंटेंसेस को रीड करो देखिए सारे। आमिर यस मैम। रीड करो। हेयर आर सम वेज टू प्रोमाइज एक्शन। आई विल लुक इनटू इट राइट अवे। आई विल चेक द डिटेल्स एंड गेट बैक टू अस टू यूज टू यू एज सून एज पॉसिबल। वी विल टेक केयर ऑफ इट बिफोर नेक्स्ट वीक। वी विल डू आवर बेस्ट टू स्ट्रेटन इट आउट। ठीक है, वी विल फिगर आउट अ वे टू मेक एवरीथिंग वर्क आउट। वेरी गुड। सो आमिर अब मुझे वो कॉन्फिडेंस दिखा जो पहले नहीं था अब आया है। गुड जॉब फॉर दैट। तो ऐसा नहीं है इंग्लिश बिना देखे बोलनी, हम देख देख के भी सीख सकते हैं पहले। इसीलिए जब भी आपसे कभी भी कोई सवाल पूछे इंग्लिश में और आपके पास अगर वक्त हो सो इट्स बेटर दैट यू राइट समथिंग इन योर नोटपैड। मोबाइल सबके पास है, अपने वहां पे नोटपैड में लिख लो उसको, फिर देख के बोलो जब आपको इनिशियली प्रैक्टिस करनी है। मुझे उम्मीद है इससे आपको सेंटेंस बनाने में और हेजिटेशन को ओवरकम करने में मदद मिलेगी। इज इट ओके? ओके मैम। ग्रेट ठीक है। अभिषेक कैन यू मैच दिस लेफ्ट एंड राइट? यस मैम। ट्राई करो इनको मैच करो जैसे भी आपको आता है। ओके लुक इन टू मैम, व्हाट इज द फर्स्ट वन? लुक इन टू, समथिंग। ओके ओके, लुक इन टू समथिंग, ओके लुक इन टू समथिंग टू रिजल्ट इन गुड कंक्लूजन। ये होगा, एक मिनट, इन्वेस्टिगेट समथिंग। जैसे मैंने बोला अभिषेक कुछ बहुत प्रॉब्लम हो गई है ऑफिस में, कैन यू लुक इन टू द मैटर, यानी कि आप इन्वेस्टिगेट करो कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है। लाइक दैट ठीक है। बाकी सब लोग लुक लिखते जाना ठीक है लुक इन टू अभिषेक? इन्वेस्टिगेट समथिंग। यस हाँ सेकंड, गेट गेट बैक बैक टू समथिंग। हाँ समथिंग है रिटर्न कुछ भी। रिटर्न टू ऑर्डर। रिटर्न टू ऑर्डर नहीं, ट्राई करो। कॉन्टेक्ट समवन लेटर टू गिव ए हाँ रिप्लाई वेरी गुड। रिटर्न मैसेज। हाँ जैसे मुझे आपने कॉल किया और मैं बिजी हूं तो मैं ऐसे बोलूंगी आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम। आफ्टर समथिंग ठीक है नेक्स्ट। टेक केयर ऑफ समथिंग 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 हाँ टेक केयर ऑफ समथिंग टू रिजल्ट इन ए गुड कंक्लूजन। टेक केयर ऑफ समथिंग कि मतलब हिंदी में मेरे को आ नहीं रहा बताना, आई एम सॉरी।
किसी को देखभाल करना है। हाँ, देखभाल करना या आपको कोई जिम्मेदारी सौंप दी, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सुनिश्चित करना कि वो काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। जी तो यस यू कैन से टू रिजल्ट इन अ गुड कंक्लूजन। गुड कंक्लूजन, ठीक है, मेरे को हिंदी में वो करना नहीं आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट। स्ट्रेटन समथिंग आउट। हाँ, रिटर्न टू ऑर्डर, स्ट्रेटन। ठीक है, स्ट्रेटन आउट का मतलब ऐसे हो सकता है कि मतलब देखना कि सही रास्ता क्या हो सकता है उस प्रॉब्लम के लिए। या ठीक है, नेक्स्ट वर्कआउट। रिटर्न टू ऑर्डर, नहीं नहीं आपने स्ट्रेटन आउट का क्या बताया था? इन्वेस्टिगेट समथिंग। नो नो, इन्वेस्टिगेट तो लुक इनटू समथिंग हो गया था। हो गया था। हाँ, अच्छा वर्कआउट का ट्राई करो। वर्कआउट का हाँ जो लास्ट आ जाएगा वो हम स्ट्रेटन आउट को दे देंगे। वर्कआउट रिटर्न टू ऑर्डर। हाँ, वर्कआउट का मतलब ये हो सकता है कि जैसे मैंने आपको एक आइडिया दिया, कोई प्रॉब्लम आई मैंने आइडिया दिया, सो नाउ यू आर वर्किंग आउट ऑन दैट आइडिया कि अभिषेक ऐसे ट्राई करते हैं, ये नहीं चल रहा ये करते हैं, सो नाउ यू आर वर्किंग आउट ऑन दैट आइडिया ऑन दैट प्लान ऑफ एक्शन, दैट्स वर्क, है ना। और स्ट्रेटन आउट होगा कि मैंने आपको एक मतलब एक रास्ता दिया, एंड हाउ आर यू वर्किंग ऑन दैट, ऑर्गेनाइज्ड कितना हो आप उस रास्ते पे चलने के लिए, दैट्स स्ट्रेटन आउट। स्ट्रेटन आउट, गॉट इट। तो ये सारे होते हैं फ्रेजल वर्ब्स। जब आप इंग्लिश सीखते हो, इंग्लिश बोलते हो, आपको जरूरत पड़ती है फ्रेज